हाय दोस्तों, माय क्लासिक टिप्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। और गाइज, यहाँ पर जो है एक आप लोगों को अपकमिंग अपडेट्स में जो है एक नया फीचर जो आप लोगों को देखने को मिलने वाला है, जो कि वीडियो टूल बॉक्स का। तो मैं जो है आज आप लोगों को बताऊंगा आप जो है किस तरीके से इसे इनेबल कर सकते हैं आपके अपने कोई भी शॉमी के फोन में, और आप जिस किसी भी आपके वर्जन पर हो उसमें जो आप इसे बहुत ही आसानी से जो है इनेबल कर सकते हैं। तो ये कैसे करना है, ये सभी बातें जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यार, वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइज, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आप लोगों को वो दिखा देता हूँ कि वीडियो टूल बॉक्स आखिर है क्या। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने जो है अभी यूट्यूब ओपन कर लिया है, और यूट्यूब ओपन करने के बाद यहाँ पर जो है साइड में आप देख सकते हैं एक नया बार आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, यानी कि एक लाइन देखने को मिल रही होगी। सिंपली आप लोगों को उस पर ऐसे स्वाइप करने के बाद जो है यहाँ पर जो है एक विंडो ओपन हो जाता है, और यहाँ पर वीडियो टूल बॉक्स इसे ही कहते हैं। सो गाइज, यहाँ से जो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी स्क्रीन को, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, अपनी स्क्रीन को कास्ट कर सकते हैं, और ये जो है मेरा सबसे फेवरेट है, जो कि आप जो अगर एक बार जो है कोई भी, यहां से एक एग्जांपल के लिए मैं यहां पर दिखा देता हूं। एक मैंने जो है प्रैंक वीडियो बसंत जगरा का यहां पर जो डाउनलोड कर लिया है, तो मैं उस पर क्लिक कर देता हूं, और उस पर क्लिक करने के बाद यहां पर जो है मैं सबसे पहले जो है उसे इनेबल करने के लिए यहां पर जो है एक बार ऐसे क्लिक कर देता हूं। तो गाइस, यहां पर देख सकते हैं मेरी स्क्रीन जो ऑफ हो चुकी है, लेकिन बैकग्राउंड में जो है वीडियो चल रहा है, आवाज भी आ रही है। इस तरीके से आप जो है अपने कोई भी म्यूजिक को जो है सुन सकते हैं यहां से, आपको कोई भी थर्ड पार्टी ऐप की डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से गाने सुन सकते हैं बैकग्राउंड में, इससे आपकी कोई भी बैटरी जो है ड्रेन नहीं होगी, और ये काफी बढ़िया मुझे ऑप्शन लगा। उसके बाद उसके नीचे जो है आप देख सकते हैं कुछ भी आप यहां से एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब देख रहे हैं तो आपको सेटिंग में कुछ काम है, तो आप सेटिंग यहां से ओपन करके जो है इसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को गेम टर्बो के अंदर देखने को मिलता था, उसी तरीके से यहां पर जो है आप लोगों को वीडियो टूल बॉक्स का ऑप्शन दिया गया है, जो कि अभी जो है हमें फुल तरीके से नहीं मिला है। ये चाइना में जो है अभी टेस्टिंग चल रही है, लेकिन मैं जो आप लोगों को बताऊंगा कि इसे आप किस तरीके से इनेबल करना है और क्या क्या आप लोगों को इसे करके आप कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो आप लोगों को और कि इसकी सेटिंग बता देता हूं। जैसे कि आप इसे स्वाइप करते हो तो वहां पर ऊपर जो आप लोगों को एक सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप उस पर क्लिक करते हो। तो गाइस, सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो वीडियो टूल बॉक्स, तो आप इसे इनेबल डिसेबल कर सकते हैं यहाँ से, और इसका शॉर्टकट आप क्रिएट करना है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है उसकी लोकेशन आप सेट कर सकते हैं कि आपको यहाँ से स्वाइप करना है या इधर से, लेफ्ट राइट आप यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और ऐप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं कि आपको कौन सा ऐप यहाँ पर जो है सिलेक्ट करना है। यहाँ पर जो है आपके मर्जी से आप जो है ऐप सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से जो है आप वीडियो टूल बॉक्स को यूज कर सकते हैं। अब जो है मेन बात आती है कि इसे जो है कैसे आपको अपने फोन में जो है लाना है। तो गाइस, इसके लिए जो आप लोगों को सिक्योरिटी ऐप लोग आपको जो है अपडेट कर लेना पड़ेगा, जो कि लेटेस्ट वाला, जो कि आप लोगों को अपने फोन में जो है देखने को नहीं मिलेगा फिलहाल। लेकिन मैं जो इसकी लिंक जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, यहां पर जो है वर्जन भी देख सकते हैं, 4.2.8 इसका वर्जन है सिक्योरिटी ऐप का। आप लोगों को इसे डाउनलोड कर लेना है और लेटेस्ट वाला है। उसके बाद जो आप लोगों को सिंपली प्ले स्टोर पर जाकर एक्टिविटी लॉन्चर को डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि कोई भी शॉमी के अंदर जो हिडन फीचर होता है उसे इनेबल करने के लिए जो एक्टिविटी लॉन्चर की जरूरत बहुत ज्यादा हमें पड़ती है। तो इसके लिए जो है आपको जो है एक्टिविटी लॉन्चर को अपने फोन में डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद जो आप लोगों को एक्टिविटी लॉन्चर को ओपन कर देना है, जो कुछ भी परमिशन मांगेगा उस सबको जो है आपको अलाउ कर देना है, और उसके बाद जो है लोडिंग होने के बाद जो है आप लोगों को यहां पर ऊपर सर्च का बटन देखने को मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है, और उसके बाद जो यहाँ पर सिक्योरिटी आपको सर्च कर देना है। जैसे कि आप सिक्योरिटी सर्च करोगे तो नीचे आ जाना है, यहाँ पर देख सकते हैं सिक्योरिटी का ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो आप लोगों को यहाँ पर जो है आ जाने के बाद नीचे नीचे आप लोगों को आ जाना है, और यहाँ पर जो है आप लोगों को एक ऑप्शन फाइंड करना है, जो कि मेरे में जो है सबसे नीचे देखने को मिल रहा है थर्ड नंबर पे वीडियो टूल बॉक्स। तो आपको ये कहां पर देखने को मिलता है आप यहां पर देख लीजिएगा और वीडियो टूल बॉक्स को ओपन कर दीजिएगा। जैसे कि आप इसे ओपन कर देते हो तो ये जो आपके फोन में जो इनेबल हो जाएगा, और आप यहां से सेटिंग लगा सकते हैं उसकी, और इसके बाद जो है आप यहां से जो है ऐप को सिलेक्ट कर सकते हैं कहां कहां ये वर्क करना चाहिए। तो उसके बाद जो है आप इसे जो है यूज कर सकते हैं बड़ी आसानी से, और डिसेबल करना है इसे आप लोगों को ये अच्छा नहीं लगता तो आप उसे डिसेबल भी कर सकते हैं। सेम मेथड है, आप लोगों को एक्टिविटी लॉन्चर में जाना है, वहां पर सिक्योरिटी आपको सर्च कर देना है, वीडियो टूल बॉक्स पर जाना है, और यहां से जो इसे डिसेबल कर सकते हैं। दैट्स इट गाइस, ये देख सकते हैं ये जो डिसेबल भी हो चुका है।
अब जो बात करते हैं कि आपको सिक्योरिटी ऐप को अपडेट करने के बाद जो कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो सिक्योरिटी ऐप को आपको मतलब पिछले वाला सिक्योरिटी ऐप में जाना है तो आप कैसे जा सकते हैं। तो गाइज उसके लिए जो सिंपली आपको सिक्योरिटी ऐप को ओपन कर देना है, उसके बाद जो है आप लोगों को उसे जो इस तरीके से रिसेंट पैनल से जाकर यहाँ पर आ जाना है, और यहाँ पर जो है देख सकते हैं नीचे जो अनइंस्टॉल अपडेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप सिंपली अनइंस्टॉल अपडेट पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आपका जो है सिक्योरिटी ऐप का अपडेट जो है अनइंस्टॉल हो जाएगा और पिछले जो आपका ओरिजिनल अपडेट था उसमें आप डायरेक्टली रोल आउट हो जाओगे। तो इस तरीके से आप जो है बड़ी आसानी से जो है टूल बॉक्स के ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं, जो कि अपकमिंग अपडेट है, लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आप किस तरीके से अभी अपने फोन में तुरंत यूज कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों यार आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, पसंद आती तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, टिल देन बाय बाय।